आप सभी भक्तों से मेरा करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सभी भक्त इस बात का विशेष ध्यान दें कि किसी प्रकार का रुपए पैसे संबंधित चढ़ावा आप हमारे ठाकुर जी के ऊपर ना चढ़ाएं, क्योंकि ये जो रुपया आपके जेब में है, पैसे आपके जेब में है, ना जाने ये कहां कहां से होकर के आया हो, और शुद्ध है कि अशुद्ध है ये भी नहीं मालूम। हो सकता है कि चाट पकौड़े की दुकान से, ठेले से होकर के आया हो, जहां लोग चाट पकौड़े खाते हैं और उसी जूठे हाथ से अपने पर्स से रुपए निकाल करके ठेले वाले को पकड़ाते हैं। हो सकता है कि वो रुपए किसी माध्यम से आप तक पहुंचा हो, जो जूठा है, जूठे हाथ से जिसका स्पर्श किया गया है, जो अशुद्ध है, और वही अशुद्ध नोट ला करके आप हमारे भागवत जी, हमारे ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि जो रुपया आपके पास पहुंचा हो वो किसी कसाई खाने से घूम करके आया हो, जहां पर अशुद्ध हाथों से लेन देन किया जाता है, और वही नोट आप हमारे ठाकुर जी के ऊपर, हमारे भागवत जी के ऊपर ला करके चढ़ा दे रहे हैं। इससे क्या होगा? भगवान की श्री विग्रह और हमारे भागवत जी का तेज नष्ट होगा। तो निवेदन है, बार बार करबद्ध आग्रह करता हूं, क्योंकि मैंने पूर्व में भी दो दिन इस बात को आपको समझाया था, आज पुनः से मैं वही देख रहा हूं। तो आज मैं निवेदन कर रहा हूं फिर से कि कोई भी भक्त, आयोजक हो या फिर सामान्य भक्त जो कथा में कथा श्रवण करने आ रहे हों, कोई भी भक्त किसी प्रकार का कोई चढ़ावा ना चढ़ाएं। आप प्रेम से आकर के कथा श्रवण करें, यही मेरे लिए आपकी श्रद्धा है और आपकी यही भक्ति है कि आप प्रेम पूर्वक आकर के ठाकुर जी की कथा श्रवण करें, यही आपका समर्पण भी है।